प्रेज द लॉर्ड, वेलकम टू संडे स्कूल होस्टल नाम से इक्लिसिया। आज है 20 फरवरी 2024 और अभी मुझे ये शूज़ धोने हैं और उसके अलावा ये पापा की जैकेट है जो कि रात को भिगो दी थी सर्फ में। तो पहले जैकेट धोऊंगा और उसके बाद फिर शूज़ धोऊंगा। अभी जैकेट को सूखने के लिए मशीन में डाल देंगे। सुबह 7 बजे जो बाइबल स्टडी की क्लास गुरुजी लेते हैं हमारी, वो हो गई है। और रात को जो पापा की जैकेट भी गोई थी वो भी हमने धो ली है और उसके अलावा शूज़ भी धो लिए हैं और अभी मशीन के अंदर सूख रहे हैं। तब तक आपको मैं ये खेती दिखाता हूँ। ये हरे मटर, और ये है प्याज, ये पालक और ये मेथी, ये है धनिया और ये है बहुत बड़ी सी मूली। और आज के व्लॉग की जो वीडियो है उसके थंबनेल के लिए मैं यहाँ पे फोटो लूंगा एक। और ये है मेथी और यहाँ पे कुछ फूल वाले पौधे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साइकिल कंप्लीट हो चुका है और जैकेट सूख गई होगी, चलिए देखते हैं। जैकेट सूख गई है, अभी इसे धूप में डाल देंगे और अभी शूज़ को भी मशीन में सुखा लेंगे। और यहाँ पे देखी मैंने एक छोटी सी चिड़िया, मैं उसका भी क्लिप लूँगा यहाँ पे। पक्षियों को देख के भी हमें परमेश्वर का शुक्रिया करना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे मिला एक कौवा और उसकी भी मैंने क्लिप ली। सूर्योदय हो चुका है और टाइम हुआ है 7:45। धूप में सूखने के लिए जैकेट को यहाँ तार के ऊपर डाल देंगे। लास्ट टाइम हमने ज्योग्राफी की बुक का जो पहला चैप्टर है उसका फर्स्ट पेज पढ़ा था, आज हम उसका सेकंड पेज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम करेंगे रिवीजन। इसमें हमने देखा था मून के बारे में कि मून का एक साइकिल होता है 28 डेज का और उसके अंदर एक फुल मून नाइट जिसे पूर्णिमा कहते हैं
और एक न्यू मून नाइट जिसे अमावस्या कहते हैं। सन है, मून है, स्टार्स हैं, और ये जो स्टार्स होते हैं ये गैसेस से बने होते हैं, और उसके अलावा इनकी अपनी रोशनी, अपनी हीट, दे हैव देयर ऑन हीट एंड ऑन लाइट। सन को भी स्टार बोला जाता है। जस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट। दूर होने की वजह से चीज़ें जो हमें छोटी दिखाई देती हैं, जैसे जब एरोप्लेन हवा के अंदर होता है या एरोप्लेन उड़ रहा होता है, तो वो भी हमें बहुत छोटा दिखाई देता है हाइट की वजह से। हाइट पे होने की वजह से वो भी हमें छोटा दिखाई देता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाई डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशन किसे कहा जाता है? स्टार का एक ग्रुप होता है और उसका एक पैटर्न बनता है, उसे कॉन्स्टलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि। सप्तऋषि सेवन, सप्त का मीनिंग होता है सेवन और ऋषि का मीनिंग होता है सेजिस। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये सप्तऋषि है, और उसके अलावा इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का ही ये पार्ट है, यानी ये जो हमने ऊपर पढ़ा उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, इसी का ही ये पार्ट है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशंस इन द स्काई। अब यहाँ पे बोला गया है कि अपने किसी फैमिली में या नेबरहुड में किसी बड़े को कहें कि वो आपको स्टार्स, प्लैनेट्स और कॉन्स्टिलेशंस आकाश के अंदर दिखाए। अब जैसे ये छठी क्लास की ये बुक है, तो इसमें छठी क्लास के हिसाब से ही लिखा गया है। एक बच्चे के लिए किताब लिखी गई है, लेकिन हम इसे दोबारा इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें समझ लग सके कि किस तरह से बच्चों को हम समझा सकते हैं। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समयों के अंदर, जो पुराने समय होते थे, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। प्राचीन समय के अंदर रात को दिशा कैसे देखते थे? स्टार्स की मदद से। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। एक नॉर्थ स्टार होता है जो इशारा करता है उत्तर दिशा की ओर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। तो नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहा जाता है, और ये सारे जो नाम है ये इंसान ने ही रखे हैं, इनके सितारों के, स्टार्स के ऊपर नाम नहीं लिखा होता। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। और ये नॉर्थ स्टार जो है, जिसे पोल स्टार भी कहा जाता है, जो कि उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है, और ये हमेशा एक ही पोजिशन के अंदर रहता है, एक ही जगह पर स्थिर रहता है आकाश में। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। अगर आपने आकाश के अंदर पोल स्टार देखना है, तो सबसे पहले आपको सप्तऋषि इसका पता होना चाहिए। तो इसके अंदर पॉइंटर स्टार्स होते हैं, तो पॉइंटर स्टार की सहायता से आप नॉर्थ स्टार को देख सकते हो। यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर, इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। जैसे हमने इसमें देखा कि यहाँ से पॉइंटर स्टार की मदद से हम नॉर्थ स्टार को देख सकते हैं, और इसे पोल स्टार भी कहा जाता है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट्स ऑफ द स्टार्स। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। और अब हम पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। ग्रह क्या होते हैं? इनकी ना तो अपनी हीट होती है और ना अपनी लाइट होती है, और ये रोशनी पाते हैं स्टार्स की सहायता से। जैसे हमारी अर्थ जो है वो भी एक स्टार है, तो उसे रोशनी मिलती है सूर्य से, सूर्य भी एक स्टार है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक एक भाषा है, उसका ये जो प्लैनेट शब्द आया है ये इस वर्ड से आया है, ग्रीक भाषा के इस शब्द से आया है, प्लैनेटाई, विच मीन्स वॉन्डरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट। और जो पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं ये भी एक ग्रह है, ये भी एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो आज हमने देखा कॉन्स्टिलेशन किसे बोलते हैं, उसके बाद नॉर्थ स्टार जो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, उसके अलावा पोल स्टार भी बोला जाता है नॉर्थ स्टार को, और उसके अलावा प्लैनेट के बारे में हमने देखा, और चांद के बारे में देखा, चांद जो कि हमारी अर्थ का कंपेनियन है और वो एक सैटेलाइट है, और कॉन्स्टिलेशन, नॉर्थ स्टार, प्लैनेट्स और मून के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। जैकेट अभी सूख गई है और शूज़ भी धूप में रख दिए हैं सूखने के लिए।
अब व्लॉग बहुत ध्यान से देखना। हवा चलने की वजह से गेट अचानक आके गाड़ी में लग गया और गाड़ी पे पड़ गया डंट, और उसके बाद फिर पड़ी पापा से डांट। Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Wow! Wow! कैमरा चालू था, और फिर ध्यान से देखना, और ये गेट भाई साहब अभी भी नहीं थम रहे, और फिर मैं अंदर आया फोन लेने। डंट इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था। तो अगली बार गेट को होल्ड करने के लिए वहाँ पे मैं कुछ लगा लूँगा। और सैमुअल के मदर मुकेरियाँ से आ रहे थे, और फिर हम उन्हें अपने साथ ले आए, और अभी उन्हें यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे क्योंकि उनका गांव आ चुका है। और वो है सामने घर जिसमें आज प्रेयर मीटिंग है, और यहाँ से हम दाहिनी तरफ को मुड़ेंगे। लक्ष्य हमारी शिक्षा कर दिया, बरकत कृपा ईमान के सजा दी प्रभु।